गोवर्धन परिक्रमा का एक खास महत्व है। श्रीमद् भागवत में इस बात का जिक्र है कि भगवान कृष्ण ने ब्रिजवासियों से गोवर्धन पर्वत की आराधना करने के लिए कहा था। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस पर्वत में श्री कृष्ण घूमते हैं। यहाँ परिक्रमा करने का मतलब है राधा और श्री कृष्ण के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो इस टाइम मैं हूँ मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर और आज मैं आपको कराने वाला हूँ श्री गोवर्धन की परिक्रमा, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो गोवर्धन परिक्रमा के लिए आप कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ से अपनी परिक्रमा को शुरू कर सकते हैं और कितना समय लगता है गोवर्धन परिक्रमा में, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए मेरे साथ और कीजिए गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको मथुरा आना होगा और मथुरा के लिए सभी शहरों से ट्रेन उपलब्ध है, तो आप ट्रेन के द्वारा आसानी से मथुरा तक पहुंच सकते हैं। और रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, जो कि मात्र 10 रुपये में आपको नया बस स्टैंड तक छोड़ देगी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मथुरा बस स्टैंड पर और ये नया वाला बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और यहीं से आपको गोवर्धन के लिए बस मिल जाएगी, एसी और नॉन एसी, और यहां से आपको सरकारी बसें मिलेंगी। तो बताता हूं एक बंदे का कितना फेयर है गोवर्धन का। तो दोस्तों सामने आप देख रहे होंगे ये है सेकेंड गेट रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए, और इसके जस्ट सामने आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सामने बस स्टैंड मथुरा का और ये नया बस स्टैंड है, और यहीं से आपको गोवर्धन के लिए बसें मिलेंगी सरकारी बसें। तो यहां से आपको बस मिल जाएंगी एसी और नॉन एसी बस। तो अभी बताते हैं आपको कितना फेयर है एक बंदे का, बाकी यहां का बस स्टैंड है दोस्तों ये। तो दोस्तों फाइनली मुझे गोवर्धन के लिए बस मिल चुकी है और मथुरा से गोवर्धन का मात्र 33 रुपये किराया है, और मथुरा बस स्टैंड से आपको बहुत सारी सरकारी बसें मिल जाएंगी गोवर्धन के लिए, जिसके द्वारा आप आसानी से गोवर्धन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों मथुरा से गोवर्धन की दूरी है लगभग 21 से 22 किलोमीटर और आप बस में जाओगे तो लगभग 1 से 1.25 घंटे का समय लग जाएगा आपको गोवर्धन पहुंचने में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गोवर्धन बस स्टैंड और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बस स्टैंड है, और यहां से आपको मथुरा वृंदावन के लिए बस मिल जाएगी। तो अभी यहां से जो मानसी गंगा की दूरी है वो है तकरीबन 500 मीटर। तो अभी चलते हैं और करते हैं मानसी गंगा में स्नान और करते हैं वहाँ से फिर अपनी परिक्रमा को शुरू। तो कराते हैं आपको मानसी गंगा के दर्शन। तो दोस्तों सामने आप देख रहे होंगे ये है मानसी गंगा का प्रवेश द्वार, तो यहीं से जाना होता है मानसी गंगा के लिए, और सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह जमा कर सकते हैं, शूज वगैरह रिमूव कर सकते हैं, जिसके दोस्तों बैग के लगते हैं एक बैग के लगेंगे आपको 20 रुपये देने होंगे, और दोस्तों स्लीपर वगैरह के आपको 10 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर आप अपना बैग वगैरह जमा कर सकते हैं स्लीपर वगैरह। तो ले चलते हैं दोस्तों मानसी गंगा की तरफ और कराते हैं मानसी गंगा के दर्शन और करते हैं यहाँ से अपनी परिक्रमा को शुरू। जब आप मानसी गंगा की तरफ जाओगे तो कुछ इस तरह के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और बहुत सारी आपको प्रसाद की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो दोस्तों स्लीपर मैंने जमा कर दिए हैं और मुझे 10 रुपये देने पड़े हैं स्लीपर के, और अब मैं जा रहा हूँ मानसी गंगा की तरफ और मानसी गंगा में स्नान करके और आपको दर्शन करा के मैं अपनी परिक्रमा शुरू करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही आनंद आएगा आपको इस परिक्रमा में। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ मानसी गंगा के पास, और मान्यता ये है कि इस गंगा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से उत्पन्न किया। तो दोस्तों इस गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, तो कीजिए दोस्तों मानसी गंगा के दर्शन।
तो देख सकते हैं आप बहुत सारे भक्त यहाँ पे स्नान कर रहे हैं मानसी गंगा में, तो आप भी स्नान कर सकते हैं और पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं स्नान करके। और आप सामने देख रहे होंगे ये है मंदिर मुखारविंद का, तो इसके अंदर जाएंगे अभी और दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो आप कीजिए मानसी गंगा के दर्शन और यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे घाट बने हुए हैं स्नान के। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मानसी गंगा की सुंदरता, तो कीजिए मानसी गंगा के दर्शन। तो दोस्तों सामने आप देख पा रहे हो ये है महादेव जी का मंदिर, और दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर दृश्य के दर्शन होंगे। तो ले चलते हैं आपको अंदर और कराते हैं मंदिर के दर्शन आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह के नज़ारे हैं मंदिर के, और बहुत ही भव्य और सुंदर है ये मंदिर, और यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्यों के दर्शन हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप सामने आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्यों के दर्शन होंगे भगवान श्री कृष्ण के। तो दोस्तों कीजिए दर्शन मानसी गंगा के। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको और कराते हैं मंदिर के दर्शन। और दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक गौ माता है, तो दोस्तों आप पूजा के लिए यहाँ से जल भर सकते हो। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप इस गौ माता में जल भरने के लिए टोपी लगा हुआ है, तो आप यहाँ से जल भर सकते हो। तो दोस्तों कीजिए मुखारविंद मंदिर के दर्शन, और देख पा रहे हैं आप बहुत ही सुंदर और भव्यता इस मंदिर का है। तो दोस्तों कीजिए दर्शन और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दूध मिल जाएगा, दूध चढ़ता है गिरिराज जी महाराज को, और यहाँ से आप पुष्प और दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों कीजिए दर्शन इस मंदिर के। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मंदिर के अंदर भी आपको स्नान की व्यवस्था मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों मानसी गंगा में स्नान कर लिया मैंने, पूजा वगैरह मैंने कर ली, और अब मेरी परिक्रमा हो चुकी है शुरू। और मानसी गंगा से दान घाटी मंदिर की जो दूरी है तकरीबन आधी किलोमीटर है, तो ले चलते हैं अब और कराते हैं दान घाटी मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ दान घाटी मंदिर के पास, और मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये है दान घाटी का मंदिर, और गोवर्धन परिक्रमा का ये पहला पड़ाव है। और इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दही और माखन का दान लेते थे, तो इस जगह का नाम पड़ा दान घाटी। तो ले चलते हैं आपको अंदर और कराते हैं मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको अंदर और कराते हैं दान घाटी मंदिर के दर्शन, बाकी आप सुंदरता देख सकते हो दान घाटी मंदिर की। तो दोस्तों ले चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। और भक्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त इंतजार में खड़े हैं बाबा गिरिराज जी के दर्शन के लिए, तो आप देख पा रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे ये है दान घाटी का मंदिर, और इसके बराबर में जस्ट आप देख पा रहे होंगे सामने ही मार्ग है दान घाटी मंदिर के बराबर में, जहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। तो दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे यहीं से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है, तो ले चलते हैं आपको और कराते हैं परिक्रमा गोवर्धन की, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो बड़ी परिक्रमा है प्रारंभ में 11 किलोमीटर की है, तो यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहीं से दोस्तों पैदल परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा,
सभी परिक्रमा यहीं से शुरू होती है। तो करते हैं परिक्रमा को शुरू, बोल के जय गिरिराज जी महाराज, राधे राधे। तो मैंने गोवर्धन की परिक्रमा शुरू कर दी है और अभी समय हो रहा है, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं कितना समय लगता है इस परिक्रमा में, तो बताते हैं आपको। और दोस्तों, आप ई रिक्शा से भी परिक्रमा दे सकते हो, अगर आप पैदल नहीं चल सकते 21 किलोमीटर, तो आप ई रिक्शा से परिक्रमा दे सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी ई रिक्शा मिल जाएंगी। तो मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे रिक्शा खड़ी है, तो आप ई रिक्शा में परिक्रमा दे सकते हैं। तो बाकी मैं बताता हूँ आपको एक बंदे का कितने पैसे ले रहे हैं ये परिक्रमा के। तो दोस्तों, मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे हैं बहुत सारी ई रिक्शा खड़ी है, तो आप ई रिक्शा में परिक्रमा कर सकते हो और एक सवारी के मात्र 100 रुपये लगते हैं पूरी परिक्रमा की, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो अगर आप चाहे तो ई रिक्शा से परिक्रमा कर सकते हो। तो परिक्रमा मैंने शुरू कर दी है और देख सकते हैं बहुत सारे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। और ये है परिक्रमा मार्ग, थोड़ा आगे आप जाओगे तो आपको कच्चा रास्ता मिल जाएगा पैदल चलने के लिए, जिससे आदमी परिक्रमा करते हैं, जो भी भक्त आते हैं कच्चे रास्ते से ही परिक्रमा करते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी धूप ज़्यादा है, गर्मी है, तो रोड ज़्यादा गर्म है अभी, तो कोशिश करें कच्चे रास्ते से जाए। बस थोड़ा सा 50 मीटर आगे जाओगे आप तो आपको कच्चा रास्ता देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग की सुंदरता, और सामने आपको गोवर्धन पर्वत दिख रहा होगा। और आगे ले चलते हैं आपको, और आगे बिल्कुल अच्छे से आपको दर्शन कराएंगे गोवर्धन पर्वत के, क्योंकि अभी इधर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिस वजह से आपको गोवर्धन पर्वत नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आगे चलेंगे, अभी 1-2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गोवर्धन जी के अच्छे से दर्शन होंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अभी मैं आ गया हूँ कच्चे वाले मार्ग पे, और कच्चे मार्ग से ही परिक्रमा करना, क्योंकि आसानी होती है कच्चे मार्ग से, पैर में कंकर वंकर भी नहीं चुभते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर मार्ग है परिक्रमा मार्ग। तो अभी थोड़ा आगे जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो आपको गोवर्धन पर्वत के मैं दर्शन कराऊंगा बिल्कुल अच्छे से। बाकी आप देख सकते हैं सुंदरता परिक्रमा मार्ग के, और बहुत सारे साधु संत के भी दर्शन होंगे आपको इस परिक्रमा मार्ग में, तो उनके भी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे भक्त देखने को मिल जाएंगे जो कि दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, और दंडवती परिक्रमा में दोस्तों कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। तो आप देख पा रहे हैं भक्त दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बराबर में, और ये जो मार्ग है रोड से बिल्कुल इस साइड है, गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल साथ में है ये मार्ग। तो कोशिश करें आप रोड से परिक्रमा ना करें, पक्का रोड से, क्योंकि उधर रोड पत्थर बहुत ज़्यादा है तो पैरों में दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे बैक साइड में आपको गोवर्धन पर्वत नज़र आ रहा होगा, जो कि अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत सारा घना जंगल है इधर। तो थोड़ा आगे अभी हम जाएंगे 1 किलोमीटर आगे, तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे गोवर्धन पर्वत के। बाकी आप देख सकते हो ये कच्चा मार्ग, बहुत सुंदर मार्ग है और बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बराबर में है ये। तो रोड से अंदर आप आ जाओगे, बहुत सारे मार्ग आपको मिल जाएंगे अंदर आने के लिए। तो चलते हैं और कराते हैं गोवर्धन पर्वत के दर्शन आपको अच्छे से। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत के आसपास आपको बहुत सारी गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारी गौ माता के दर्शन हो जाएंगे आपको। तो गौ माता के दर्शन करते हुए अपना परिक्रमा को देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर के भी दर्शन हो जाएंगे परिक्रमा मार्ग में। और अभी दोपहर का टाइम है तो सभी बंदर अभी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी सभी बंदर पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो ये है परिक्रमा मार्ग की सुंदरता, आप देख सकते हैं। तो आपको कच्चे मार्ग से ही परिक्रमा लगाना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और गर्मी का एहसास नहीं हो। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं और नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप, तो परिक्रमा आपको कच्चे मार्ग से ही करना है, और बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बराबर में आपको ये मार्ग मिलेगा, और इसी मार्ग से आप परिक्रमा करना। तो आप सुंदरता देख सकते हैं, और यहाँ पे आप कहीं भी बैठ के विश्राम कर सकते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सामने आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे भक्त यहाँ पे बैठ के विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ पीने के पानी का व्यवस्था भी है। जय हो गौ माता, जय हो गिरिराज महाराज की।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर गौ माता के दर्शन हो जाएंगे आपको गोवर्धन पर्वत के आसपास। तो दोस्तों देख सकते हैं यह परिक्रमा मार्ग और ये सामने है गोवर्धन पर्वत और इसके बराबर में यह है परिक्रमा मार्ग और यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में दोस्तों ये जो रेत है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी आपको। तो यहाँ पे छोटा भाई हमारा बैठा हुआ है तो इनसे ये स्लीपर ले सकते हैं और ये कितने की, इन्होंने 20 रुपये की दी है मुझे, 30 रुपये बोल रहा था ये लड़का। और ये छोटा बहुत बदमाश है, इधर देख बोल राधे राधे। तो मैंने स्लीपर ले लिया, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दोपहर के समय गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, तो आप ले सकते हैं, अब चलने में ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है मुझे। तो दोस्तों अभी मैं गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये है गोवर्धन पर्वत, तो कर लीजिए दर्शन। तो देख पा रहे हैं आपको बिल्कुल नज़दीक से आपको दर्शन हो रहा होगा, तो दोस्तों कीजिए गोवर्धन पर्वत के दर्शन। और दोस्तों यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया 7 दिनों तक और ब्रिजवासियों की रक्षा की इंद्र के प्रकोप से। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, कीजिए गोवर्धन पर्वत के दर्शन। और दोस्तों बैक साइड में मेरे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्यारा सा गाँव है, तो इस गांव के भी दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बराबर में ये गांव, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो ले चलते हैं अब आगे की तरफ आपको और कराते हैं आगे की परिक्रमा। तो दोस्तों गोवर्धन पर्वत को श्राप लगा हुआ है जिस वजह से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके घट रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आकार कम हो चुका है पहले से गोवर्धन पर्वत का, और क्या पता आने वाले समय में आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन भी ना हो। तो जल्दी से जल्दी आप आइए, तो परिक्रमा कीजिए और गोवर्धन के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा, जब आप आओगे जब ही आपको दर्शन होंगे गोवर्धन पर्वत के, तो आप देख पा रहे होंगे गोवर्धन पर्वत की सुंदरता। तो दोस्तों कीजिए परिक्रमा मार्ग के दर्शन और बिल्कुल पास से मैं कराता हूँ आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन, तो आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत की सुंदरता। तो कीजिए दोस्तों दर्शन गोवर्धन पर्वत के। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचने वाला हूं पूछरी का लौठा, तो थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा, यहां से आधे 1 किलोमीटर रह गया पूछरी का लौठा। और बाकी आप कीजिए गोवर्धन पर्वत के दर्शन, और इसी जगह भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण किया था और ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, और यहीं पर इंद्र का मान का मर्दन किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो कीजिए दोस्तों गोवर्धन पर्वत के दर्शन, तो ले चलते हैं अब आपको पूछरी के लौठा के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है पूछरी के लौठा में, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये है पूछरी का लौठा और दोस्तों सामने मंदिर है पूछरी के लौठा का। तो चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन पूछरी के लौठा में भगवान श्री कृष्ण के। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभी जतिपुरा गांव में, और ये मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं ये है जतिपुरा गांव और बहुत सुंदर गांव है। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश हो रही है और परिक्रमा में बिल्कुल आनंद आ रहा है और मज़ा आ गया बिल्कुल परिक्रमा में, हल्की हल्की बारिश की फुहारे हो रही है। तो दोस्तों ये है जतिपुरा गाँव, आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही सुंदर गाँव है और छोटा सा गाँव है, ये पहला गाँव आता है परिक्रमा मार्ग में अन्य और गाँव, और उसके बाद आता है जतिपुरा।
तो देख सकते हैं आप जतिपुरा के नज़ारे, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं और परिक्रमा में बिल्कुल आनंद आ रहा है। दोस्तों, जतिपुरा गांव में आपको बहुत ही सुंदर कुंड के दर्शन होंगे जिसका नाम है हरजी कुंड। तो दोस्तों, कराते हैं आपको दर्शन। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर कुंड के दर्शन होंगे आपको जतिपुरा गांव में। तो दोस्तों, कीजिए दर्शन हरजी कुंड के। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं जतिपुरा मुखारबिंद, और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ले चलते हैं आपको और कराते हैं जतिपुरा मुखारबिंद के दर्शन। और इसी जगह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। तो कराते हैं आपको दर्शन। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के मार्केट देखने को मिलेगा आपको जब आप जाओगे जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर की तरफ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत सुंदर मार्केट देखने को आपको मिलेगा। तो बस पहुंचने वाले हैं और कराते हैं आपको दर्शन। और दोस्तों, यहां पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने की। तो देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी यहां पर खाने पीने की। और दोस्तों, यहां पर सब्जी और कचौड़ी बहुत ही मशहूर है, तो यहाँ की सब्जी कचौड़ी ज़रूर चेक करना। और दोस्तों, यहाँ पर जलेबी भी बहुत मशहूर है। दोस्तों, यहाँ पे आलू की जलेबी मिलेंगी आपको, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट, बहुत सुंदर मार्केट देखने को मिलेगा आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस मार्केट में आपको खाने पीने की। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपको आलू की जलेबियाँ मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप ले सकते हो। और बहुत ही मशहूर है दोस्तों यहाँ की आलू की जलेबी। तो दोस्तों, कीजिए जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर के दर्शन। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है मंदिर जतिपुरा मुखारबिंद का, और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो आपको कराते हैं दर्शन, देख पा रहे हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों, ये है जतिपुरा में मुखारबिंद का मंदिर, और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कीजिए दर्शन। दोस्तों, परिक्रमा के दौरान मेरे पैरों में दर्द हो गया, जिस वजह से मैंने ई रिक्शा कर ली और जिसके मुझे 50 रुपये देने पड़े। अगर आपको परिक्रमा के दौरान पैरों में दर्द होता है तो आप ई रिक्शा से परिक्रमा कर सकते हो। आपको पूरे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं उद्धव कुंड पे। तो कीजिए दोस्तों उद्धव कुंड के दर्शन। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है उद्धव कुंड। तो कीजिए दोस्तों उद्धव कुंड के दर्शन। और ये दोस्तों आपको राधा कुंड से 4 किलोमीटर पहले मिलेगा देखने को। तो उद्धव कुंड के दर्शन आप ज़रूर करना परिक्रमा मार्ग में, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ अभी राधा कुंड, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है राधा कुंड, और मेरे पैरों में दर्द हो गया जिस वजह से मैंने रिक्शा कर ली, और ये मैंने रिक्शा से 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा की है। तो अभी कराते हैं आपको राधा कुंड के दर्शन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड के पास, और आप देख सकते हैं राधा कुंड के आसपास के नज़ारे, बहुत भव्य और सुंदर नज़ारे देखने को आपको मिलेगा राधा कुंड के आसपास के नज़ारे देख सकते हैं। और बहुत ही प्राचीन आपको घर मकान देखने को मिलेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो कराते हैं आपको राधा कुंड के दर्शन। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं राधा कुंड के पास। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है राधा कुंड का प्रवेश द्वार। तो यहीं से एंट्री होती है राधा कुंड के लिए। तो ले चलते हैं आपको अंदर और कराते हैं पवित्र राधा कुंड के दर्शन। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है राधा कुंड। तो कीजिए दोस्तों दर्शन राधा कुंड के।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये है राधा कुंड और बहुत बड़ा कुंड है दोस्तों ये, तो कीजिए दोस्तों राधा कुंड के दर्शन। दोस्तों राधा कुंड का निर्माण राधा रानी ने अपने कंगन से किया था, तो इस कुंड को राधा रानी ने कंगन से खोदा था, तो देख सकते हैं बहुत बड़ा कुंड है ये राधा कुंड। तो अगर आप परिक्रमा में आए गोवर्धन परिक्रमा में तो राधा कुंड में स्नान जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये है राधा कुंड, और राधा कुंड के बराबर में ही आपको सामने आपको श्याम कुंड के दर्शन होंगे। तो दोस्तों कराते हैं आपको श्याम कुंड के दर्शन। और दोस्तों श्याम कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से किया था, तो देख पा रहे हैं दोस्तों ये है राधा कुंड और इसके जस्ट बराबर में आपको श्याम कुंड के दर्शन होंगे। तो दोस्तों कराते हैं आपको श्याम कुंड के दर्शन। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये है श्याम कुंड और ये भी काफ़ी बड़ा कुंड है दोस्तों, तो कीजिए दर्शन दोस्तों श्याम कुंड के। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे दिव्य साधु संत के दर्शन हो जाएंगे जो कि निरंतर दंडवत परिक्रमा करते रहते हैं, और ये साधु संत एक बार में कम से कम 108 दंडवत परिक्रमा करते हैं एक ही जगह पर। तो दोस्तों कीजिए कुसुम सरोवर के दर्शन, और देख सकते हैं दोस्तों बहुत भव्य और सुंदर है ये कुसुम सरोवर, और ये कुसुम सरोवर सिर्फ और सिर्फ आपको गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलेगा, तो कीजिए दर्शन। और दोस्तों अभी इसको बंद करके रखा हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों अंदर, तो अभी यात्रियों के लिए बंद कर रखा है, तो क्या पता आने वाले समय में इसको खोल दिया जाए यात्रियों के लिए। तो दोस्तों कीजिए दर्शन कुसुम सरोवर के। दोस्तों कुसुम सरोवर के बाद परिक्रमा मार्ग में इंद्र देवता का पूरा प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो आप देख रहे होंगे बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है पिछले एक घंटे से, और मैं इस त्रिपाल के नीचे खड़ा हूं और इंतज़ार कर रहा हूं बारिश बंद होने की। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं मानसी गंगा पर, और मेरी परिक्रमा यहां पूरी होती है, और इंद्र देवता का पूरा प्रकोप रहा और 1 से 1.5 घंटे तक लगातार इंद्र देवता ने बारिश की। तो दोस्तों गोवर्धन परिक्रमा में तकरीबन 6 से 7 घंटे का समय लग गया मुझे, जिसमें मैंने 7 से 8 किलोमीटर मैंने ई रिक्शा से परिक्रमा की। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री गिरिराज महाराज।